गुमला शहर के साप्ताहिक बाजार टांड में बन रहे मजदूर भवन का विरोध गुमला विधायक भूषण तिर्की ने भी किया। बाजार टांड में मजदूर भवन बनाने से सैकड़ों दुकानदारों की जीविका छिन जाएगी, इसलिए दुकानदार व किसानों के समर्थन में विधायक श्री तिर्की भी उतर आए हैं। शनिवार को विधायक भूषण तिर्की बाजार टांड पहुंचे, भवन निर्माण के लिए खोदे जा रहे नींव का अवलोकन किया। साथ ही सब्जी बेचने व अन्य दुकान लगाने वाले किसानों से विधायक ने बात की। दुकानदारों ने कहा कि प्रशासन हम गरीब किसानों को भूखे मारना चाहता है, इसलिए बीच बाजार में बेवजह भवन का निर्माण कर रहा है। प्रशासन उसका उपयोग न कर बाजार टांड में भवन बनाकर किसानों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। मैं खुद भवन बनने नहीं दूंगा। उन्होंने लोगों से कहा कि इस बाजार में हजारों लोग जी रहे हैं, बाजार टांड में किसानों की दुकान लगाने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बताते चले, शनिवार को भी नहीं लगी दुकानें बाजार टांड में, शनिवार को भी दुकानें नहीं लगी, सिर्फ सब्जी की दुकानें लगी, बाकी दुकानें बंद रही। कपड़ा मसाला बर्तन जूता चप्पल की दुकानें नहीं लगी थी। विधायक जब बाजार टांड पहुंचे तो सैकड़ों दुकानदारों व किसानों ने उन्हें घेर लिया और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। महिला किसानों ने अपनी बातों को मजबूती के साथ रखी और बाजार को बचाने की मांग की। अखबार में ये सब हम देखे नहीं है, तो विज्ञापन में भी देखे नहीं है क्या कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन अब ये बाजार टांड का प्राकृतिक से लगता है कि अपंग हो जाएगा बाजार। अगर किसी व्यक्ति का प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाए तो अपंग हो जाएगा। अब यहाँ बाजार है, इस बाजार का प्राकृतिक से खिलवाड़ हो जाएगा तो बाजार भी अपंग हो जाएगा। आप देखिए, यहाँ पर इतना बेरोजगार लोग है, अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए बाजार हाट करके अपना जीवन यापन करता है और सारे लोगों का बाजार हाट ही लूट जाएगा। कौन लेगा? जो इतना लोग लूट जाएगा, इनका रोजगार लूट जाएगा, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी सीसीआई रोड को पूरे सुपड़ा साफ कर देंगे हमारा इधर फुग्गू नदी तक, इधर 10 मीटर उधर और 10 मीटर इधर, कौन सी बचेगा? इधर पूरे बाजार का सुपड़ा साफ कर देंगे तो कौन सी बचेगा? कहाँ जाएगा बेरोजगार लोग? इतना लोगों को रोजगार देना संभव है? इसलिए बाजार हाट का प्रकृति से खिलवाड़ ना हो, इसका प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, इसी के लिए हम यहाँ के आम जनों का जो पीड़ा है, आम जनों के पीड़ा के साथ हम हैं और हम इनका। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।